जबरदस्त भाई, क्या ही नजारा। हेलो दोस्तों, आप सभी का सफर इंडिया के एक और नए धमाकेदार ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूं कमल और आज मैं आ चुका हूं दोस्तों बस्तर का खूबसूरत चित्रकूट वाटरफॉल। तो किस तरह से दोस्तों आप यहां पहुंच सकते हैं, रुकने की क्या व्यवस्था होगी और यहां से रिलेटेड दोस्तों हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए मेरे साथ देखिए बस्तर ज़िले का खूबसूरत सा चित्रकूट वाटरफॉल। भारत का नियाग्रा फॉल्स कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की बस्तर का खूबसूरत चित्रकूट वाटरफॉल जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर, केसकाल घाटी से लगभग 105 किलोमीटर एवं रायपुर से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां आप केसकाल घाटी से स्ट्रेट कोंडा गांव होते हुए भानपुरी से राइट टर्न कर आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं चित्रकूट वाटरफॉल और अगर आप बाइक और कार के माध्यम से आ रहे हैं तो आप आराम से यहां से बाइक एवं कार जो है पार्किंग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल तो और राइट साइड में स्थित है यहां का भव्य भोले बाबा का मंदिर। तो ये देख सकते हैं मोहन सूर फास्ट फूड, मतलब काफ़ी सारे फास्ट फूड की दुकानें यहाँ लगे हुए हैं। अरे खाने पीने का भाई अगर यहाँ नहीं लाए हैं तो उसका कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने का जो है यहाँ 12 महीना मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये त्यौहार के दीपावली के दूसरे दिन आए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ मतलब खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। ये एकमात्र वाटरफॉल है जहाँ आपको 12 महीना पानी देखने को मिलेगा। सुस्वागतम नेचर ट्रेल स्वच्छ बस्तर नेचर ट्रेल। जैसे जैसे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ का जो खूबसूरत व्यू है जबरदस्त, इस तरफ है आपका पूरा वाटरफॉल। हमें जो है एक्चुअली बोटिंग करना है, वाटरफॉल का जो आनंद है हमें बोटिंग के जरिए करना है, सामने से देखना है, इसलिए हम लोग पहले बोटिंग के लिए जा रहे हैं ताकि वाटरफॉल को नज़दीक से देख सके। तो इस तरह से राइट साइड में ही है। तो बोटिंग के लिए कितना लाइन लगती है, नीचे जाना है बता रहे हैं भैया। अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो रिसोर्ट का चार्जेस वगैरह क्या होगा आगे मैं वीडियो में आपको बता दूँगा। तो अभी हम आ चुके हैं बोटिंग के लिए, जिसका रास्ता है राइट साइड से, यहाँ से आपको नीचे उतरना होगा बोटिंग के लिए। और एक्चुअली 5:30 बजे तक जो है लास्ट यहाँ का बोटिंग रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग पहले हड़बड़ी में आए हुए हैं ताकि बोटिंग ना। और ये देखिए भाई, ये यहाँ से आपको इतना नीचे जाना होगा बोटिंग के लिए ताकि आप पास से वाटरफॉल का खूबसूरत व्यू देख सकें। फाइनली भाई पहुंच चुके हैं चित्रकूट वाटरफॉल के नज़दीक। बरसात में आएंगे दोस्तों तो यहाँ इतना पानी होता है कि आप बोटिंग नहीं कर पाएंगे, बट अभी हम लोग आए हैं नवंबर मतलब दीपावली के जस्ट दूसरे तीसरे दिन आए हैं। नौका विहार का चार्जेस क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। चित्रकूट जलप्रपात नौका विहार 50 रुपये प्रति व्यक्ति, 6 सीटर 300 रुपये 10 मिनट, 15 सीटर 750 रुपये 10 मिनट, 20 मीटर 1000 रुपये 10 मिनट, 30 मीटर 1500 रुपये 10 मिनट। पानी में हाथ डालने का प्रयास ना करें, नाव चलाते समय इधर उधर ना हो, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें, इधर उधर कचरा ना करें। तो इस तरह से भाई रेतीला मार्ग होगा वाटरफॉल के नज़दीक का। अरे बाप रे, बोटिंग के लिए इतना भीड़ लगा हुआ है, जबरदस्त भाई। ओ ये देख सकते हैं भाई बोटिंग के लिए किस तरह से लाइन लगा हुआ है यहाँ पर। जैकेट जो है हम लोग पहन चुके हैं। बोटिंग के थ्रू हम लोग आ चुके हैं चित्रकूट वाटरफॉल के पास। सर भाई लोग देख सकते हैं कितने मेहनत से बोटिंग करते हुए अपने को वाटरफॉल के पास। इस टाइम आएंगे तो सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपको चित्रकूट वाटरफॉल के मतलब वाटरफॉल के नीचे से ले जाया जाता है, जो उसका मज़ा जो है अलग ही होता है, तो वो फील करने वाले हम लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स, वाटर पास, पानी पास ले जाओ भाई। ये देखिए भाई आ गया आपका खूबसूरत वाटरफॉल, आप जिसे नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। जय गंगा मैया, क्या ही नजारा।
एक्सपीरियंस लेने का एक अलग ही मज़ा है भाई। देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत वाटरफॉल, ज़बरदस्त भाई। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे चौड़ा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि बरसात के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए होता है, तो गर्मियों की चांदनी में रात में बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। यह एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है जो हर पर्यटकों का मन मोह लेती है। चित्रकूट जलप्रपात, वैसे तो आप हर मौसम में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन बरसात में इसे देखने का अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। और बरसात के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। भाई यहाँ जहाँ काफ़ी लोग आपको फोटो सेल्फी रील्स बनाते हुए नज़र आएंगे, वही एक अलग ही आनंद है भाई यहाँ के बोटिंग का। और यहाँ है भोले बाबा का भव्य मंदिर, और इस तरफ है यहाँ नंदी महाराज। जय श्री भोलेनाथ महाराज, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। जय श्री भोलेनाथ महाराज, आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। स्टे के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन वाटरफॉल के शिव मंदिर के पास में ही स्थित है ठाकुर लॉज, जहाँ लगभग डबल बेडरूम का किराया लगभग 2000 रुपये है, जहाँ रूम एवं बाथरूम बहुत ही फ्रेश और क्लीन है। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट कम हो तो होम स्टे का भी ऑप्शन होता है, जो आस पास पूछने पर आपको कोई भी बता देगा, जो लगभग आपका 1000 रुपये के आसपास हो जाएगा। अगर आप इससे कम में चाहते हैं तो यहाँ से घूमने के बाद आप जगदलपुर चले जाएं। तो हमने यहाँ विजिट किया है दादाबाड़ी रोड मोती तालाब पारा के पास न्यू सूर्या लॉज एवं रेस्टोरेंट। आइए देखते हैं कैसा है यहाँ के चार्जेस वगैरह क्या होंगे। एक बजट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। जो भी है आपको डिटेल्स आगे वीडियो में बता देते हैं। जैसे ही कुछ दूरी चलेंगे आपका आ जाएगा सूर्या लॉज। अपने घर का एहसास हो सूर्या लॉज आकांक्षा होटल के बाजू में बलदेव स्ट्रीट रोड। यहाँ के चार्जेस वगैरह बता दीजिए आपके रूम वगैरह के, मतलब चार्जेस भी है ना, वही 700 रुपये डबल बेड का। 700 रुपये डबल बेड का, जैसे और उसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा होते हैं तो एक्स्ट्रा पर्सन पर हेड 200 रुपये है। 200 रुपये, मतलब ये हमेशा यही चार्जेस रहता है। अच्छा ठीक है भैया। और यहाँ के रूम्स वगैरह जो है थोड़ा सा दिखा दीजिए। और यहाँ स्टे कर सकते हैं आप सूर्या लॉज में, जहाँ आपको लगभग 700 रुपये में डबल बेड आसानी से आपको मिल जाएगा। सोविनिया शॉप, यहाँ बस्तर से रिलेटेड जो भी है आपका बना हुआ जो है यहाँ खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।